Very good morning, everyone. This is 12th lecture of rotational motion, and in the last lecture we were discussing about rolling motion. Rolling motion का discussion अपन ने कल ही start किया था. आज हम next part देखेंगे. कल मैंने rolling motion में आपको क्या-क्या बताया था? काफी कुछ बताया मैंने, है ना? Rolling motion में मैंने आपको बताया कि रुको, मैंने connect नहीं किया इसको. Let me connect it first. So what did I tell you yesterday? I told you कि rolling motion is a combination of translation and rotation. Not every combination of translation and rotation is rolling motion. Not every combination of translation and rotation is rolling. Rolling is a very specific motion. There is a surface there, और उस सरफेस पे रोलिंग होती है. तो लेट अस से रोलिंग मोशन की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी है वी, सेंटर ऑफ मास. तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर, पहले तो इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हो. इसका ट्रांसलेशन का पार्ट सेपरेट, इसमें हर पार्टिकल को आप इमेजिन करो कि वो सेम वेलोसिटी से आगे जा रहा है. That is V center of mass. पूरी की पूरी बॉडी आगे जा रही है. और दूसरा इसका रोटेशन का पार्ट आप इमेजिन कर सकते हैं कि ओमेगा से गोल घूम रहा है. तो उस हिसाब से ये वाला जो पॉइंट ये नीचे जा रहा है, ये वाला पॉइंट पीछे जा रहा है, ये वाला पॉइंट ऊपर और ये वाला पॉइंट आगे. दैट इज रोटेशन. सो एवरी रोलिंग मोशन कैन बी अंडरस्टूड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन and rotation. Then I told you there are two types of rolling motion. We broadly divide them in pure rolling motion and impure rolling motion. अभी pure rolling motion में क्या होता है? सबसे important point है कि pure rolling motion में bottom most point जो होता है, उसकी velocity with respect to bottom surface zero होती है. तो इसकी rolling हो रही omega, तो backward velocity आएगी r omega. ये v center of mass, तो forward velocity आएगी v center of mass. तो अगर v center of mass और r omega एक दूसरे के equal है, ये bottom point की velocity हो जाएगी zero. और bottom point की velocity zero होना with respect to the bottom surface का मतलब है कि bottom point stationary है with respect to bottom surface. और ऐसा pure rolling motion में होता है. ये प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन बताई थी मैंने, वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर ओमेगा. और इम्प्योर रोलिंग मोशन में दो टाइप है, देखिए, फॉरवर्ड स्लीपिंग जिसमें वी सेंटर ऑफ मास ज्यादा है आर ओमेगा से, और बैकवर्ड स्लीपिंग जिसमें आर ओमेगा ज्यादा है वी सेंटर ऑफ मास. ओके, विल कीप दैट असाइड. दैट इज फॉर डिस्कशन, दैट इज अ डिस्कशन फॉर अनदर डे. टुडे वी लेट अस फोकस ऑन प्योर रोलिंग मोशन. फिर मैंने कल आपको लास्ट में काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी बताया था. चिन्मय, आनंद, तुषार, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था. क्या बताया था मैंने? Those who are watching on Zoom, if you wish to speak to me, raise your hand, I will unmute you, then you can speak. I also talked about kinetic energy of rolling motion. तो रोलिंग मोशन के काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आया था हाफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 + k² / r². तो कल का जो लास्ट क्वेश्चन था ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. रिंग है, डिस्क है, हॉलो स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर है, इनमें से सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी बॉटम में पहुंचने तक? अपन निकाल, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी? स्पीयर की. और सबसे कम किसकी होगी? रिंग की. क्योंकि रिंग में 50% रोलिंग की एनर्जी रोटेशन में होती है, और सॉलिड स्पीयर में सिर्फ 29% एनर्जी रोटेशन में होती है, 71% ट्रांसलेशन में होती है. कल अपन ये भी कैलकुलेट किया था ना, कितना परसेंटेज एनर्जी रोलिंग में है, कितना परसेंटेज एनर्जी ट्रांसलेशन में है, राइट? कल ये भी डिस्कस किया था. चलो आज कुछ आगे जाके डिस्कस करते हैं. मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला भी डिराइव किया था. एक ऑब्जेक्ट है, उसकी रोलिंग हो रही है नीचे, तो जब वो बॉटम पे पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? फॉर्मूला आया था अंडर रूट 2gh अपॉन 1 + k² / r². चलो, अगर कोई हमें पूछ ले कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे यार? कौन बताएगा मेरे को? रोलिंग मोशन, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन,
मैं एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है, रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें, हाउ विल वी फाइंड एक्सेलरेशन, कौन बताएगा मेरे को? चलो विवेक बता रहा है, बोलो बेटा विवेक। सारे फोर्सेस, मुझे लगता है फोर्सेस से यूज करने से अच्छा है कि अपन काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी यूज करके कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स इक्वेशन मतलब ये यहां से लेके यहां तक लेटर से एस डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कवर करते करते इतनी वेलोसिटी हो जाएगी ना, लेट अस अज्यूम करो कि ये एच हाइट है। बोलो विवेक, विवेक बोलो बेटा काइनेमेटिक्स का इक्वेशन, आई कैन से एच बाय एस इक्वल टू साइन थीटा, सो एच इक्वल टू एस साइन थीटा, ठीक है। तो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करो, v square equal to u square plus 2as, यहाँ पे u zero है, ये zero हो जाएगा, v square इसका square क्या आएगा, ये आएगा 2gh upon 1 plus k square by r square is equal to 2as, देखो 2 और 2 cancel, और h की value कितनी है, s sin theta, तो ये आएगा gs sin theta अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एस, एस एस भी कैंसल, बचता क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यह एक्सेलरेशन होता है। इस एक्सेलरेशन से तुम बॉटम तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा वो टाइम भी फाइंड कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड या रीच द बॉटम, और तुम नोटिस करोगे कि जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना कम टाइम लगेगा, तो इसके लिए तुमको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू लगेगी, ये वैल्यू है रिंग के लिए 1, डिस्क के लिए 1/2, हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 और सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, तो इन वैल्यू से डिसाइड होगा सब कुछ। तो सबसे ज्यादा वैल्यू रिंग की है, तो रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम आएगा, तो टाइम सबसे ज्यादा रिंग को लगेगा, टाइम ऐसे डिसाइड करते हैं। तो सबसे कम वैल्यू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की सॉलिड स्फीयर के लिए, तो सॉलिड स्फीयर के लिए ए सबसे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम है, तो ए सबसे ज्यादा आएगा, एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है तो टाइम सबसे कम लगेगा। गॉट इट एवरीबॉडी, अंडरस्टूड? चलो मैं, अगर मैं रोलिंग मोशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दे दो आप लोगों को, विल यू बी एबल टू सॉल्व देम? वेरी इजी। रोलिंग में एक और चीज याद रखो, प्योर रोलिंग मोशन में जैसे कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, वैसे अगर एक्सेलरेशन आ जाए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, so acceleration is equal to r alpha आएगा, acceleration is equal to r alpha आएगा। चलो मैं इसके basis पे question देता हूँ, simple example से शुरू करते हैं। example number 1, imagine करो एक string है और string इसके ऊपर ऐसे wind की हुई है and this is a disc, इसका mass है m और रेडियस है आर, डिस्क के इसका नीचे गिरने का एक्सेलरेशन निकालना है आपको, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग डिस्क इफ द स्ट्रिंग इज गेटिंग अनवाउंडेड, स्ट्रिंग अनवाउंड हो रही है तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? Can you do this question? I'm giving you 1 minute. चलो try करो सब लोग। चिन्मय ने कितने बड़े आंसर दिए। Yes sir. Okay.
string is getting unwounded. Okay. Find acceleration of falling disk if the string is getting unwounded. हिंट दूं क्या मैं आपको? एक फोर्स का इक्वेशन लिखो, एक टॉर्क का इक्वेशन लिखो, और इसका एक्सेलरेशन अगर ए, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा, तो यहां पे ए इज इक्वल टू आएगा आर अल्फा, इसको यूज करना पड़ेगा। चलो कौन बताएगा जूम पे? आई एम अलाउिंग यू टू अनम्यूट, यू कैन स्पीक। बोलो पूनम, प्रमिला, साहिल, सागर, रिया, अभिजीत, सृष्टि। 2G आ गया आंसर। अरे 2G ज्यादा हो गए टमाटर, फ्री फॉल में भी जी आता है तो स्ट्रिंग कनेक्ट करके 2G कैसे आएगा? फ्री फॉल से भी ज्यादा आएगा कि फ्री फॉल से ज्यादा कैसे आएगा? जी से ज्यादा कैसे आएगा? जी से कम ही आएगा ना। टमाटर है यार सबके सब। तुमने ये टेंशन लिया क्या यहाँ पे? देखो इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स है mg, टेंशन t, एक्सेलरेशन a, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है? mg माइनस t इक्वल टू m इनटू a। ओके, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब तुम इसका रोटेशन का इक्वेशन लिखो, इसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा ना, टॉर्क इज टी इनटू आर, राइट, इसकी रेडियस आर है, तो ये जो टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर टाउ, दैट इज इक्वल टू टी इनटू आर। आई कितना आएगा इसका? एम आर स्क्वायर बाय 2 इनटू अल्फा। अब मुझे पता है कि ए इज इक्वल टू आर अल्फा है ना, आर और आर स्क्वायर चला जाएगा, t is equal to mr alpha by 2, that is ma by 2, यह आएगा equation number 2, equation number 2 को equation number 1 में put कर दो, यह आएगा mg minus ma by 2 equal to ma, mg equal to 3 ma by 2, इधर जाएगा add हो जाएगा, m और m cancel, a is equal to 2g by 3, this is the answer। समझे कि नहीं समझे? Understood? मैं वही सोच रहा हूँ 2g कैसे आएगा आंसर। 2g free fall से भी ज्यादा acceleration, that is not possible। 2g by 3, the answer is 2g by 3। कभी कभी आपको ये भी पूछ सकते हैं कि string में tension कितना आएगा वो बताओ। ये तो आसान है, टेंशन का इक्वेशन यहां पे आया था, ये देखो इसको यूज करो, टेंशन इन स्ट्रिंग कैपिटल टी इज इक्वल टू एम ए बाय 2, एम बाय 2, 2g बाय 3, 2 2 कैंसिल, एम ए बाय 3। समझे? गॉट इट? ये वाला बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर स्ट्रिंग लगी हुई है, देयर इज अ पर्सन, इफ द मैन इज पुलिंग द रोप एट वेलोसिटी वी द सिलेंडर
must be moving forward with velocity. ऑप्शन दे रहा हूं मैं, वी वी बाय टू टू वी, नन ऑफ दीज. सर प्योर रोलिंग मोशन है. हाँ प्योर रोलिंग मोशन फिर वी बाय टू. अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड ऑलवेज अज्यूम की प्योर रोलिंग मोशन है. बाय टू. और कौन आंसर देना चाहता है? द मैन इज पुलिंग. क्यों सर? क्योंकि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है रोलिंग में उसकी वेलोसिटी होती है जीरो. यस. टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी होती है वी सेंटर ऑफ मास इनटू टू. करेक्ट. टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है ट्वाइस ऑफ वी सेंटर ऑफ मास. अगर टॉप की वेलोसिटी का हाफ किया तो वी सेंटर ऑफ मास आ जाएगा. राइट. मतलब टॉप की जो वेलोसिटी है जिसको वो रोप पुल कर रहा है वो वी दी हुई है. इसका मतलब क्या हुआ कि ट्वाइस ऑफ वी सेंटर ऑफ मास is equal to v na. मतलब velocity of center of mass of the cylinder is v by 2. That means cylinder is moving forward with velocity v by 2. Cylinder कितने velocity से आगे जा रहा है? v by 2 velocity से आगे जा रहा है. समझ रहे हो क्या? Okay, इसमें एक important concept है. मैं उस concept को आपको explain करूँ, कर देता हूँ. देखो, क्या है ना? रोलिंग मोशन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशन है. राइट. तो रोलिंग मोशन में ये आगे भी जा रहा है और ये ऐसे गोल भी घूम रहा है. लेकिन अगर आप चाहो तो रोलिंग मोशन को प्योर रोटेशनल मोशन भी अज्यूम कर सकते हो. इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज प्योर रोटेशनल मोशन. अब तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, इतनी कल से तो आप कितनी बार बता चुके हो कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. लेट मी टेल यू, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन, बट इट कैन बी अंडरस्टूड एज प्योर रोटेशन. तुम इसको प्योर रोटेशन भी इमेजिन कर सकते हो. कैसे? अगर तुम मान के चलोगे कि तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट से जा रहा है और इस एक्सिस को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? लिसन, the meaning of instantaneous axis of rotation is, instantaneous axis of rotation is कि उस instant पे वो axis of rotation है. उस instant पे ऐसा है ठीक है. और ये नीचे का surface है ठीक है. और ये rolling motion हो रही है तो इसका जो ये वाला जो point है ये stationary है. bottom के point stationary होते हैं ना. तो स्टेशनरी पॉइंट से अगर तुम एक एक्सिस ड्रॉ करोगे तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है वो इसके अबाउट घूम रहा है. बस इट इज इन प्योर रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस, ऐसा तुम अज्यूम कर सकते हो. तो आप देखो, आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा इमेजिन करने में दिक्कत आ रही होगी. मैं आपको इमेजिन करने में हेल्प करता हूं. देखिए मेरे पास ये सिलेंडर है, वैसे तो ये स्पीकर है जो स्पीकर में यूज करता हूं, ब्लूटूथ स्पीकर. ओके, एवरीबडी कैन सी दिस सिलेंडर. ओके, इफ दिस सिलेंडर इज रोलिंग इट विल रोल लाइक दिस. ठीक है, मैं इसकी रोलिंग मोशन आपको दिखाता हूं. ये सरफेस है, ये इसकी रोलिंग मोशन. ये देखो, वो गिर जाएगा नहीं. डू आई हैव समथिंग एल्स टू शो यू? बॉटल यूज करो ना, बॉटल, वाटर बॉटल. वाटर बॉटल नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे अरे 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 स्पीकर में रुको एक सेकेंड. आई हैव समथिंग एल्स आल्सो. मेरे पास सैनिटाइजर की बॉटल है और मेरे पास ये सरफेस है. ये देखो,
You can see this rolling motion. अब देखो ये रोलिंग मोशन को तुम ऐसे इमेजिन करो, देखो मैं अभी बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो इस चीज को, आई वॉन्ट टू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली. ये ऐसा आगे जा रहा है, ऐसा आगे जा रहा है. जब ये एंड पे पहुंच जाएगा, एंड पे ऐसे घूमते घूमते, इसके बिल्कुल एंड पे, एंड पे देखो, तुमको ऐसा लगता नहीं ऐसे घूम रहा है ये? मतलब डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूंगा इसकी, इसकी डायग्राम ऐसे दिखेगी. देखो अगर यहां पे एंड है, दिस इज द एंड, लेट अस से दिस स्पीयर, दिस सिलेंडर इज लाइक दिस. और ये अगर तुम इधर से देखोगे इसको, ऐसा दिखेगा ये गिरेगा तो ऐसा गिरेगा. देखो गिरते टाइम ऐसा गिरेगा ये. इट्स लाइक रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, दिख रहा है ये पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है. कैन यू सी? सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. लेकिन उस इंस्टेंट पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एक्सिस अबाउट विच यू कैन अज्यूम दैट होल ऑफ द बॉडी इज रोटेटिंग एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. फॉर द नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम द एक्सिस चेंजेस. So that's why it is called as instantaneous axis of rotation. उस instant के लिए तुम ऐसा assume करके चल सकते हो कि शायद वो object उसके about rotate हो रहा है. जैसे मैं एक और example देता हूँ आपको. ये तो मैं rolling motion में तुमको बता रहा हूँ कि ये instantaneous axis of rotation है, जो कि उसके bottom point से जाता है. ठीक है, bottom से जाता है. Let me give you another example. Imagine करो कि ये थोड़ा है ना, मैं सोच समझ के draw करता हूँ उनको. ये rod है. This rod is in forward motion and in rotational motion also. So can I say it is a combination of translation and rotation? ठीक है, अब ये rod थोड़ा सा आगे जाएगा. तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा. ठीक है, मतलब आगे भी गया थोड़ा घूम भी गया. ओके, आगे भी गया थोड़ा घूम भी गया. अब ऐसे ही ये आगे जाने वाला है. लेकिन मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं क्या कि इस टाइम इंटरवल में वो आगे भी गया और थोड़ा गोल भी घूम गया. तो तुम्हारे पास दो तरीके इसको समझने के. एक तरीका तुम्हारे पास ऐसा है कि इसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी ले लो, इसकी गोल घूमने की वेलोसिटी ले लो, इसलिए ये थोड़ा एंगल से रोटेट हो गया और थोड़ा आगे भी गया. देखो आगे भी गया, राइट, उसका फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, राइट, थोड़ा गोल भी घूमा, थोड़ा आगे भी गया. दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इज, एक काम करो, यहां से एक लाइन एक्सटेंड करो ऐसी, और यहां से एक लाइन एक्सटेंड करो ऐसी. क्या मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूं कि ये ऐसे 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 गया? सो इट इज लाइक रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस एक्सिस. तो इस टाइम इंटरवल के लिए, डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए, वो कौन से मोशन में था? प्योर रोटेशन. वो आगे आगे जाने का पीछे जाने का काम ही नहीं. देयर इज नो लीनियर मोशन हियर, देयर इज ओनली रोटेशनल मोशन, एंड दैट इज प्योर रोटेशनल मोशन. बट दैट इज ओनली अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. Axis of rotation for time interval delta t time interval के लिए मैं ऐसा मान के चल सकता हूं कि rotation इस axis के about हो रहा है. क्यों नहीं मान सकता? Definitely मान सकता हूं, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नॉट? विवेक बोलो बेटा, तुम कुछ बोलना चाहते हो? बोलो विवेक, विवेक सर, अरे यू रेज, अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, यू रेज योर हैंड, सो आई थॉट यू वांट टू से समथिंग. सो मुझे एक बात बताओ, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आ रहा है क्या? इज इट मेकिंग सेंस? तुम अब तुम जरूर ये पूछ सकते हो कि सर इसकी क्या जरूरत है, आई मीन क्यों डिफाइन कर रहे हैं हम इसको? व्हाई आर वी डिफाइनिंग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? वी आर डिफाइनिंग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बिकॉज अ मोशन दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्योर रोटेशन अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. कि अगर तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन मोशन को तुम प्योर रोटेशन बता सकते हो, जब तुम कॉम्बिनेशन की मोशन को प्योर रोटेशन बताते हो ना या बनाते हो, तो तुमको ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं ना, एफ इक्वल टू एम ए, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह, तुमको ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ रोटेशन की इक्वेशन लिख के काम चला सकते हो. ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का बहुत फायदा है. अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे? तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस यूजुअली ऐसे पॉइंट से पास होता है जिस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होती है, पासेस थ्रू द पॉइंट्स दैट हैज जीरो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. जिन पॉइंट्स की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली जीरो है, ऐसे पॉइंट्स में से इंस्टेंटेनियस एक्सिस जाता है. तो इसका मतलब रोलिंग मोशन का इस पॉइंट से इंस्टेंटेनियस एक्सिस जाएगा. इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट तुम मान के चल सकते हो कि प्योर रोटेशन उस इंस्टेंट के लिए. तुम कहोगे सर फिर वो आगे चला जाएगा, फिर क्या? अरे भाई आगे जाएगा तो आगे जाने के बाद जो बॉटम पॉइंट है वो उसका उस इंस्टेंट पे एक्सिस होगा. ठीक है, तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 2r ना, तो इसकी वेलोसिटी आएगी ट्वाइस ऑफ r ओमेगा, जो कि आती है. इस पॉइंट को देखो, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट देखो, बराबर ये, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर आएगी, ये रूट टू आर आएगा, ये आएगी रूट टू आर ओमेगा, जो कि आती है. इस पॉइंट की वेलोसिटी देखो ऐसे आएगी ना, ये भी रूट टू आर है, ये भी आएगी रूट टू आर ओमेगा. एम आई मेकिंग सेंस या फिर मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूं? दोज हु आर वॉचिंग ऑन यूट्यूब सेंड मी अ हाई फाइव, so I'll know that you are able to understand what I'm saying. Instantaneous velocity zero means तो point तर at rest असेल ना? Yes बेटा, वो point at rest होना चाहिए. देखो ये point at rest condition में है ना, और instantaneous axis of rotation सिर्फ rolling motion में useful नहीं है. ठीक है, तुम rolling motion को ऐसे कर सकते हो और भी इसमें कर सकते हो. जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट मी गिव एन एग्जांपल. आई होप कि तुमको ये तो समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी ये दिखाया है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल. अगर तुमको ऐसा दिया, एक रॉड है, इस रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी है 4 meter per second और इस पॉइंट की वेलोसिटी बैकवर्ड 2 meter per second. ठीक है, और इसकी जो रॉड की लेंथ है वो दी है 60 centimeter. और क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड पहला. ठीक है, ऑल्सो फाइंड
velocity of its center of mass. Velocity of its center of mass. चलो कैन यू डू दिस क्वेश्चन. देखो इस क्वेश्चन में भी देखो, इमेजिन करो कि ये वाला पॉइंट है पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट है पॉइंट बी. पॉइंट ए पॉइंट बी, तो जो पॉइंट ए उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और जो पॉइंट बी है उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड लेकिन बैकवर्ड है. तो अब क्वेश्चन ये है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी पहली बात, और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी. अब मुझे कौन बताएगा इसको कैसे करने का? विवेक कैन यू टेल मी? सबसे पहले मुझे बताओ कि जो मोशन है, जो मोशन है इस रॉड की, जो मोशन है वो कौन सी मोशन है? इज इट ट्रांसलेशन, इज इट प्योर रोटेशन, और इज इट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन. मोशन ऑफ द रॉड इज कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मोशन ऑफ द रॉड इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन. रोटेशन और ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन है. ठीक है भाई, कॉम्बिनेशन है. इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की कुछ तो वेलोसिटी आएगी और एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी, लेकिन वो मैं कैसे फाइंड करूं? हाउ शुड आई फाइंड इट? आईसीआर निकालेंगे. हाँ, यहाँ पे बेटर वे क्या है, तुम इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल लो, IAOR या फिर ICOR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. कैसे फाइंड करेंगे उसका एक तरीका होता है. तरीका क्या है मैं तुमको बोलता हूँ. तरीका सिंपल है बहुत. ये वेलोसिटी ले लो वी ए, ये वेलोसिटी ले लो वी बी. दोनों वेलोसिटी को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर दोनों की लेंथ ही आ जाएगी. ठीक है, और फिर दोनों वेलोसिटी को एक दूसरे से कनेक्ट करो. ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तरीका समझ में आ गया तुमको? दो वेलोसिटी है उनको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे, और दोनों वेलोसिटीज के एरो को कनेक्ट करो, वो पॉइंट आएगा. तो जो भी ओमेगा आएगा इसके अबाउट आएगा. अब कैसे निकालेंगे? देखो ये थीटा है, ये थीटा है, राइट? थीटा थीटा सेम है, और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है. सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, और इसकी लेंथ 2 मीटर पर सेकेंड है और इसकी लेंथ 4 मीटर पर सेकेंड है. तो अगर मैं इसको L मान के चलूं, L, तो ये कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर माइनस L ना. तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो सेम होता है. इसका मतलब 2 upon 4 is equal to 60 minus L upon L. यह आ जाएगा बेदुने चार 1/2, L equal to twice of 60 minus L, 120 minus 2L, 3L equal to 120, L equal to 40 centimeter. मतलब instantaneous axis of rotation या center of rotation का distance है 40 centimeter पे. वो कहाँ पे? 40 सेंटीमीटर पे. अब इससे दो तीन चीजें एकदम फटाक से आ जाएगी. तुमको सेंटर ऑफ रोटेशन मिल गया, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये कितने डिस्टेंस पे है? 40 सेंटीमीटर पे. और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड. इससे ओमेगा आ जाएगा ना फटाक से. V इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पे V है 4, आर कितना है यहाँ पे? 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर. ओमेगा, तो ओमेगा कितना आएगा? 4 upon 0.4, 10 रेडियन पर सेकेंड. ओमेगा आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, ये आ गया ओमेगा. रही बात वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास यहां पे, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है यहां से, वो निकालना पड़ेगा. सेंटर ऑफ मास यहां पे है ना, सेंटर ऑफ मास 30 सेंटीमीटर पे, और ये 40 आ गया, मतलब ये 10 आना चाहिए.
तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये आर कितना है 10 सेंटीमीटर 0.1, और ओमेगा कितना है 10, ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। समझे कि नहीं समझे, एकदम सच सच बताओ, समझे कि नहीं समझे कि आई ए ओ आर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड करने का, पहली बात, और दूसरी बात इंस्टेंटेनियस एक्सिस फाइंड करने के बाद ओमेगा कैसे फाइंड करने का और वेलोसिटी कैसे निकालने की सेंटर ऑफ मास। इफ आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस कैन यू डू इट, डायग्राम नहीं समझी, डायग्राम फिर से समझाता हूं, डायग्राम नहीं समझो तो फिर क्या समझा तुमको, ये रॉड है बेटा, ये वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड और ये वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। पहले तो दोनों वेलोसिटी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दोनों वेलोसिटीज को कनेक्ट करो, ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा आई सी ओ आर, अगर ये लेंथ यहां से लेके यहां तक एल है तो ये लेंथ आएगी 60 माइनस एल। फिर सिमिलर ट्रायंगल का मैंने रेशियो लिया 2/4 इज इक्वल टू 60 माइनस एल अपॉन एल, फिर मैंने इसको सॉल्व किया उससे एल आया 40, तो इससे मैं ओमेगा निकाल सकता हूं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये वी कितना है 4, आर एल, एल कितना है 40 सेंटीमीटर 0.4, इससे ओमेगा आ गया 10 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आने के बाद मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी थी, ये सेंटर ऑफ मास है, उसकी वेलोसिटी ये है, सेंटर ऑफ मास के लिए वही ओमेगा है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना आएगा सेंटर ऑफ मास के लिए 10 सेंटीमीटर। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर ओमेगा, आर इज 0.1 मीटर, ओमेगा इज 10, 1 मीटर पर सेकेंड। मैंने तुम्हारे लिए फिर से सॉल्व किया बेटा, अंडरस्टूड? ओके, ये कौन बोल रहा है इट्स वेरी लेंदी? ऋतुजा, लेंदी का मतलब भी समझते हो क्या तुम? ये लेंदी है, ये पूरा एक फ्रेम में बैठ रहा है, ये पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लेंदी नहीं है, इसको लेंदी नहीं बोलते। जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंदी होता है ना, तो वो एक स्क्रीन में एक सामने नहीं बैठ सकता हो, ये बहुत शॉर्ट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। अर्शन तुम बाद में भी देख सकते हो बेटा, कोई टेंशन नहीं, कंसेप्चुअल है, लेंदी नहीं है। सर ते 10 सेंटीमीटर का साल ते नहीं समझ, किती इजी रे। आता मैं कसं सांगू, रॉड ची लेंथ किती बेटा 60 सेंटीमीटर, तर हे मिडल है ना 50%, हे किती आला पाहिजे 30 सेंटीमीटर, आणि इथपर्यंत हे 40 आलं ना 40, एल मायनस 30 किती 10 सेंटीमीटर येईल ना। प्रमिला समजलं का बेटा? लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन लाइक दिस, एक और क्वेश्चन देता हूं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन है, तुमको इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड करने का है और बाकी की चीजें फाइंड करनी है, ठीक है? चलो, ये रॉड है, इसकी लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर, इसकी वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी दी है 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसमें क्या क्या करने का है? फाइंड, पहली चीज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, दूसरी चीज एंगुलर वेलोसिटी, और तीसरी चीज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो करो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। इसके पहले जो क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है, मतलब डिट्टो नहीं है लेकिन सिमिलर है, सेम तरीका है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस निकालने का। वेलोसिटी को परपेंडिकुलर निकालो, वेलोसिटीज के एरोस को कनेक्ट करो,
चलो क्या आंसर आया भाई? सबसे पहले इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ICOR आया 125 सेंटीमीटर, ये ऐसे आएगा, यहाँ पे आएगा ना ICOR, सर 125 सेंटीमीटर आया। चलो देखते हैं, लेट अस से ये y, यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा, 50 प्लस y। तो कंसिडर दीज टू ट्राइंगल्स, पहले ये ट्राइंगल देखो और ये वाला ट्राइंगल देखो, राइट right? तो इसमें क्या होगा, द रेशियो ऑफ 6 to 10, दैट इज 6/10, ये 6 और ये 10 इज इक्वल टू रेशियो ऑफ y अपॉन 50 प्लस y ना, ये समझा क्या भाई? सबसे पहले मुझे बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू y अपॉन 50 प्लस y, समझ रहे हो? ये y और ये 50 प्लस y, ओके okay? अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके देखते क्या आता है। ये आ जाएगा 3/5, ये इधर जाएगा 3 × 50 प्लस y इज इक्वल टू 5y, ये जाएगा 150 प्लस 3y इज इक्वल टू 5y, 150 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 75, y 75 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये जो रॉड है इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पे, इसके अबाउट रोटेशन चल रहा है इसका, ये कितनी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ये कितनी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, और तुमको सेंटर की वेलोसिटी निकालनी है, वी सेंटर ऑफ मास निकालना है तुमको। पहले तो ओमेगा फाइंड कर लो, पहले ओमेगा कैसे आएगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, यहां से लेके यहां तक कितना आया ये 75 सेंटीमीटर ना, अरे 6 मीटर पर सेकेंड है ये, हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 75 इज 0.75, हो जाएगा 600 अपॉन 75 कितना आता है, 25 × 75 8 आता है क्या? हाँ 8 आएगा, 8 मतलब ओमेगा तो आ जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड। तुमको एंगुलर वेलोसिटी मिल गई, और जो एंगुलर वेलोसिटी इसके अबाउट है वही एंगुलर वेलोसिटी इसके अबाउट पे आएगी ना, जो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द ICOR है वही एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास भी आती है, याद रखो v सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा, यहां तक का डिस्टेंस है ना अपने को, ये कैसे आएगा, ये 75 प्लस ये कितना 25, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, तो v सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, r ओमेगा, r इज 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, ओमेगा इज 8 रेडियन पर सेकंड, यह आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर इतना प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं थी वेलोसिटी निकालने के लिए, तुम ये 6 और 10 का एवरेज ले लेते तब भी आ जाता, विच आई एग्री, 6 और 10 का एवरेज 8 है तो वही आता, लेकिन उससे ओमेगा नहीं आता ना। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ICOR के बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े में चैलेंजिंग क्वेश्चन भी दे सकता हूं आपको, लेकिन आई डोंट थिंक चैलेंजिंग क्वेश्चन करने की जरूरत है, बिकॉज़ इतने चैलेंजिंग क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। ओके, दो के एक क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग, जिसमें थोड़ा सोचना पड़े, चैलेंजिंग का मतलब क्या है, लेंदी नहीं, इसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़े। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, ओके लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन। एक डिस्क है, ओके डिस्क का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी 3v0, सेंटर की वेलोसिटी v0,
और इसका मास दिया है m. फाइंड इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी. डिस्क की रेडियस एज यूजुअल आर है. सर प्योर रोलिंग मोशन है, मुझे नहीं लगता. इसका मतलब नहीं है ना, तुम्हें नहीं लगता? नहीं लगता मतलब नहीं है, लेकिन ये रोलिंग के लिए सरफेस देना चाहिए. मैंने सरफेस भी नहीं दिया कुछ, ये रोलिंग है ही नहीं पहली बात. मैंने सरफेस कहा दिया तुमको, बिना सरफेस के रोलिंग थोड़ी होता है कि नहीं? इट्स नॉट अ लेंथी क्वेश्चन, बट यू हैव टू थिंक. अब तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट है तो एनर्जी होगी हाफ वी नॉट स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हो क्या? क्योंकि यहां पे सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं है, यहां पे रोटेशन भी है. तो क्या करना क्या पड़ेगा तुमको? व्हाट यू हैव टू डू? आईसीओआर. तुमको आईसीओआर फाइंड करना पड़ेगा. कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे सर? आप रुको ना, हम करते हैं. अच्छा ठीक है, ठीक है, करो करो, सॉल्व करो. I figured something out. The future is unpredictable. John Green, very famous author. His book, what is the name of his book? Fault in Our Stars. Fault in Our Stars. The Fault in Our Stars. Sushant Singh's last movie was based on that. उसी बुक पे बेस्ड थी. ओके, सबसे पहले ICOR फाइंड करो, वो आएगा यहां पे R by 2, यहां पे आएगा, यहां से R by 2, यहां पे आएगा ICOR, बराबर है. अब लेटस से यहां से लेके बस एक ही मिनट होता है, यहां तक का डिस्टेंस मैं भी करता हूं थोड़ा, मैं मैप आउट करता हूँ क्या क्या करने का है मेरे को. ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये ऐसा, ये वाई, ये ऐसा आर प्लस वाई, ये वेलोसिटी वी नॉट है, ये थ्री वी नॉट है. तो इसमें मैं रेशियो ले सकता हूँ, वी नॉट अपॉन थ्री वी नॉट इक्वल टू वाई अपॉन आर प्लस वाई. वी नॉट कैंसिल, R plus y equal to 3y. So basically R by 2 is equal to y. मतलब axis of rotation जो है वो बिल्कुल इस point पे, जो point कितने distance पे है, R by 2, R by 2 के point पे आएगा वो, ठीक है. तो इसके about वो जो omega है वो कैसे निकाल सकते हो तुम? Omega is equal to v by perpendicular distance. ये तुम्हारा सेंटर ऑफ रोटेशन है, ये v नॉट है और ये r by 2 आ गया y. v नॉट अपॉन r by 2 ना, तो twice of v नॉट अपॉन r, ये ओमेगा आ गया. इतना समझे क्या मुझे बताओ बस, कि मैंने ओमेगा कैसे निकाला? इसके अबाउट ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v नॉट अपॉन y. y की वैल्यू r by 2 है. एक बार तुमको ये समझ में आ गया कि ओमेगा कैसे निकाला, उसके बाद काइनेटिक, अब ये इसके अबाउट प्योर रोटेशन है ना, प्योर रोटेशन है, मतलब नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन, ओनली रोटेशन. और ओनली रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ओनली रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा तो अपने पास है,
रही बात आई की, तो आई इसके अबाउट तुमको फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए पैरालिसिस थ्योरम यूज करो, 3/2 mv0 square, पैरालिसिस थ्योरम का mr² / 2 प्लस यहां पे d डिस्टेंस कितना है, r/2, दैट इज mr² / 4, आएगा 3/4 mr² आई आएगा, 3/4 mr² icm से icm plus md square मैंने यूज किया, icm plus md square, ये देखो icm plus md square करके i भी आ गया, वहां पे i पुट कर दो, हाफ 3/4 mr² और ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा इसका स्क्वायर, 4v0 square by r square, 4 कैंसिल, r square कैंसिल, ये आएगा 3/2 mv0 का स्क्वायर, दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट डिस्क। तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का मतलब एकदम सेम ऐसे, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को फाइंड करने के बहुत सारे सिचुएशन में काफी फायदे हैं, और इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब रोलिंग मोशन में अभी सिर्फ एक पार्ट मुझे बताना बाकी है, दैट इज फ्रिक्शन। रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन का क्या रोल है, तो रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन का क्या रोल है ये मैं कल डिस्कस करूंगा, आज के लिए अपन यहीं पे रुकेंगे। टुमारो आई विल डिस्कस द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन। आज का जो लेक्चर था दैट वॉज बेस्ड अपॉन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रोलिंग मोशन में तो तुम समझ गए, रोलिंग मोशन में इंस्टेंटेनियस एक्सिस कौन सा होता है, रोलिंग मोशन में इंस्टेंटेनियस एक्सिस बॉटम से जाता है, ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मान के चल सकते हो कि उस एक्सिस के अबाउट फॉर अ मोमेंट द ऑब्जेक्ट इज इन प्योर रोलिंग मोशन फॉर अ मोमेंट, नेक्स्ट मोमेंट पे फिर वो चेंज हो जाएगा, दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा, तो इट इज इन ट्रांजिशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो हर मोमेंट के लिए अलग है, इसलिए उसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। और उसका फायदा ये है कि उससे तुम कॉम्बिनेशन की मोशन को, जो कि कॉम्बिनेशन है रोटेशन और ट्रांसलेशन का, उसको एज अ प्योर रोटेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो, और प्योर रोटेशन को रोटेशन से रिप्रेजेंट करने के अपने फायदे है, क्योंकि तुमको ट्रांसलेशन की इक्वेशन देखने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ प्योर रोटेशन की इक्वेशन यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में मैंने सिर्फ प्योर रोटेशन का फॉर्मूला यूज किया, क्यों, क्योंकि प्योर रोटेशन है अबाउट ICOR, मैंने ICOR भी फाइंड किया, उसके अबाउट ओमेगा भी फाइंड किया, उसके अबाउट आई भी फाइंड किया। ओके चलो भाई, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी गो बैक एंड अगेन वॉच इट। ओके, साक्षी इज आस्किंग मी सर ICOR सर्कमफेरेंस पे भी आ सकता है क्या, डेफिनेटली बेटा ICOR सर्कमफेरेंस पे भी आ सकता है। इस बार का जो एग्जाम का सिलेबस है उसमें पूरा रोटेशनल मोशन आएगा स्टार्ट टू फिनिश, हाफ ऑफ द पेपर विल बी ऑन ऑल रोटेशन और हाफ ऑफ द पेपर जो सर आपको पढ़ा रहे उसके बेसिस पे, ठीक है। चलो भाई, गुड डे, स्टे सेफ, स्टे इनडोर, पढ़ाई करते रहो। चलो सर। हाँ बेटा।